शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलं वंदी संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलं सर्वमंगल मंगलं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं ज्योति शासनं ये झाया ध्यानग्रही कम कलंकदही नित्य निरंजन नानमय त्यो परम प्रणवी नम समय साराय स्वानुभूत्याचकाश्चि चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरक्षिदि पाप के फल की भांति ही ये पुण्य के फल भी भोगने लायक नहीं। जैसे रोगों से पाप के फल में दरिद्रता हो, रोग हो, प्रतिकूलता हो, तो हे भगवान ये कब छूटे, कब मिटे, कब छूटे, कब मिटे, ऐसे ही पुण्य के फल के मिले हुए परिग्रह और भोगों को भी ऐसी भावना भाव कब छूटे हैं, कब मिटे, इसी का नाम निर्गंत पर की भावना है। अवे कव पूर्व अवसर जब वायांतर हो निर्ग्रंथ मने ये पुण्य पाप के फल किन्हें होता है संवर, जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, तो कीना नहीं तो फिर भोगना भी नहीं है ना, भोगना भी तो नहीं है। ए पुण्य के फल भी भोगने लायक नहीं है, क्यों? ए पुण्य के फल के भोगने का परिणाम पाप है। अपने स्वभाव का घात होता है, स्वाभाविक आनंद का घात है ये पुण्य। जैसे खील के अनुकूल, ऋतु के अनुकूल, पद के अनुकूल सादा वस्त्र भी निर्गंथता का तिरोभाव करने वाले हैं, वे भी त्याज्य हैं निर्गंथ होकर के। इसी प्रकार से अथवा निर्गंथ होने के लिए वे भी त्याज्य हैं, इसी प्रकार से वीतराग होने के लिए, स्वरूप लीन होने के लिए ये पुण्य के फल भी त्याज्य हैं, भोगने लायक। निर्विकल्प दशा में साक्षात अपेक्षा से देखा जाए तो कर्म फल का भोगता नहीं होता, लेकिन सविकल्प दशा में ज्ञानियों को भी सविकल्प दशा निचली भूमिका में पुण्य के फलों के भोग देखे जाते, पुण्य के फल भोगते हुए देखे जाते हैं। विचार करो, सम्यक दृष्टि तपस्या करके स्वर्ग में गए, इंद्र आदि के भोग पुण्य कई तो फल हैं, चक्रवर्ती पद पुण्य कई तो फल हैं, सुंदर शरीर नाना प्रकार के भोग संयोग पुण्य के फल हैं, तो उस भूमिका में भी सर्वथा भोगना न छूट पाए तब तक भी उसकी एक विशेषता हो गई, बीज राग फल भोग। बीज राग फल भोग बे, कम से कम बीज समेत तो मत भोग ले भाई। अब तो दृष्टांत बदल गया, बीज अलग से आते, पहले बीज उसी में से निकालते थे, किसान का जीवन बिल्कुल स्वाधीन था, घर का ट्रैक्टर, घर के बैल, गांव का बड़ाई, गांव की बैल, घर का कुआं, न डीजल चाहिए न पेट्रोल बुक चाहिए, न तुम्हारी मोटर चाहिए, न पुर्जा चाहिए, न ट्रैक्टर चाहिए, कुछ नहीं, न बीज चाहिए, न खाद चाहिए, यही अपने घर की गोबर पूरे की खाद, घास फूस की खाद हो गई और वही सब, तो उसी में से बीज छांट छांट करके जो अच्छा जैसे गेहूं में तो उसको छांट दिया, ऊपर से मोटा सा जिनका वो बीज हो गया, तो बीज को सुरक्षित रख लेता था। बहुत से साहूकार बीज रख लेते थे बनाकर,
तो वो बीज किसान को दे देते थे, फसल आती थी तब लेते थे, तब आया थे औलाद होना, जो भी बनती थी व्यवस्था, जैसी जैसी भूमिका थी वहाँ जैसा व्यवहार था। तो मतलब बीज को रख करके, भैया बीज ही खा जाओगे तो फिर विचार करो आगे क्या करो। तो पुण्य के फल भोगना जब तक नहीं छूटता तब तक ही बीज को तो सुरक्षित रखते। बीज राख फल भोगवे जो किसान जगमान क्यों चक्री नित सुख। आगे बोलो, धर्म विसारे न। इन सबका बीज तो धर्म है, धर्म का फल है। धर्म के पूर्व में जो तुमने धर्म की आराधना स्वयं करी अथवा धर्म के आराधकों की सेवा करी, भगवंतों की भक्ति करी, जिनवाणी का स्वाध्याय किया, शील संयम का पालन किया, उससे जो पुण्य बंधा उससे ये संपदा उनका तुमको भोग संयोग मिले हैं। धर्म विसारे न, धर्म को नहीं भूल जाता। इसके भी दो अर्थ करो, एक तो श्रद्धा को अपने को निर्मल रखता, भोगते समय भी उसी श्रद्धा में ये लगता है ये है, छोड़ने लायक है, भोगने लायक नहीं, ये मेरी कमजोरी है। द्रव्य संग्रह टीका में एक दृष्टांत दिया, जैसे कोई रोगी रोग की पीड़ा को सहन करने में असमर्थ होता हुआ कड़वी औषधि को भी हर्ष से नहीं याचना से, भैया वही दवाई लाओ, काढ़ा लाओ, हमारा वही गोली दे दो, है कड़वी सुदर्शन घनवटी, घनवटी तो खैर कड़वी कम होती है, लेकिन कहने का मतलब कोई चूर्ण है वही दवाई ला, हमारा चूर्ण है कड़वा, लेकिन फिर भी मन करके वही दवाई नहीं दी, हमारा काढ़ा नहीं बनाया, कड़वी दवा को, कड़वी दवा को भी ऐसे ले रहा है जैसे कोई बहुत अच्छी चीज हो, मांग करके कह करके टाइम पर। तुम तो मेथी का पानी पियो, तुम तो करेले का रस पियो, वो पियो, उसके रुचि का जो खाद्य है, पेय है, स्वाद है, उसको देने पर भी नहीं ले रहा, ए ये शरबत पी लो, नहीं नहीं हमें जुखाम हो गया, हम नहीं पी, हमें नहीं पी, चाय पी लो, नहीं नहीं हमको जरा उल्टी होती, हम नहीं पी रहे, देने पर भी नहीं दे रहा। और ये विवेक की बात है, कल कहा था ना विवेकी भूखा होने पर भी अवक्ष भक्षण नहीं करता, रोगी विवेकी रोगी होने पर भी अवक्ष भक्षण नहीं करता। आप जानते हो अवक्ष एक ऐसे, एक ऐसा भी अवक्ष है जो भक्ष होने पर भी अवक्ष है, हैं? क्यों? भक्ष होने पर भी अवक्ष, न अनंत काय का घात है, न त्रस का घात है, न नशा कारक है, और तो अभी अवक्ष, उसका नाम है अनिष्ट कारक अवक्ष, उतने का उतने समय के लिए वो अवक्ष, जब तक तुम्हें रोग। दृष्टांत हम चाहे कितनी बताएंगे कोई दिक्कत नहीं, जैसे पर्व के दिन में अपनी स्त्री भी त्याग भोग्य नहीं, भले तुम्हारी है इससे क्या मतलब, पर्व के दिन तीर्थ स्थान है, धर्मायतन है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की वहां प्रतिकूलता नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आसक्ति है, निंदे है, वो उपवास के दिन शुद्ध भोजन भी त्याज है, आज उपवास है। ऐसे ही रोग के काल में वह भले शुद्ध है, भक्ष्य है, इनके लिए भक्ष्य है और तुम्हारे लिए अवक्ष्य,
है? देखो देने वाला भी कभी पछपात लग जाए, आइसक्रीम खा लो और एक हमें भी दे, नहीं तो ये बिल्कुल नहीं, ये क्या समाधा? उसको कह रहा है कि तुम खा ले और उसे कह रहा नहीं तुमको बिल्कुल नहीं, आओ भाई हैं पकौड़ी ले लो फिर। उस लड़के ने कहा हमको भी दे दो पकौड़ी, नहीं तुझे नहीं। ए, राग द्वेष करते तुम? कि हाँ राग द्वेष तो है, लेकिन ऐसा राग द्वेष भी इष्ट है और ऐसी क्षमता भी अनिष्ट है जो रोग को बढ़ाने वाली है। देव कुदेव में कोई समता करने लगे, धर्म को धर्म में समता करने लगे, गुरु को गुरु में समता करने लगे, तो वो समता भी पाप रूप है, मिथ्या रूप है। वेद ज्ञान करने लगे तो भाई अरे तुम्हें तो राग द्वेष है। कुटुम्बल जी ने स्वयं प्रश्न उठा करके ये चर्चा की है पांचवें अधिकार में, तुमको तो राग द्वेष है और सबको बुरा कहते हो, जिन मत को अच्छा कहते हो। भाई अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते हैं, सोने और पीतल को समान मानना तो अज्ञान है। सोना सोना है, सोना पीतल है, वो पीतल नहीं है, पीतल पीतल है, सोना नहीं है। किसी अपेक्षा से अगर समानता कही जाए तो ठीक है। समझ में आया? किसी अपेक्षा, सोना भी पुद्गल है, पीतल भी पुद्गल है, सोना भी ये है, पीतल भी ये है, ये बात है। लेकिन सोना और पीतल, पीतल को कोई सोना समान जान करके अगर उसे खरीद ले वे उसी भाव में, सोने के भाव में, सोने को पीतल को सोने के भाव में खरीद ले वे या पीतल सोने को पीतल के भाव में बेच दे, वह बोलो ठगाएगा कि नहीं ठगाएगा? दोनों सोना सोना है, पीतल पीतल है, समान जानना ठीक नहीं है। जीवा चुकी दृष्टि से सभी जीव समान है, लेकिन संसारी और सिद्ध को समान मानना सर्वथा पर्यार्थ की अपेक्षा भी ये भ्रम है, मिथ्या। जीवत की अपेक्षा समान कहा जा सकता है? लिखा है मम स्वरूप है सिद्ध समान, बिल्कुल ठीक लिखा, स्वरूप लिखा है ना, मेरी परिणति है सिद्ध समान, ये तो नहीं लिखा। स्यादवाद से तो वो बन जाएगी बात, लेकिन अगर जिस अपेक्षा कही है स्यादवाद में भी उसी अपेक्षा समान माना जाए तो भूल हो जाएगी। समझ में आया? सोना पीतल समान नहीं, देखुदेव समान नहीं, कितना अंतर जनवाणी में और जनवाणी में, जनवाणी और जनवाणी में एक मात्रा ही का तो अंतर है, जिन और जन, जनवाणी और जनवाणी, केतकी और कनेर। चलो कोई बात नहीं, आगे बोलो, सोना और पीतल, चलो कोई बात नहीं, आग दूध और गाय दूध, गाय का दूध है जिनवाणी और जनवाणी आक का दूध, अकौआ का दूध, जिनवाणी पूनों का उजेला और जनवाणी दुनिया की बातें अमावस का अंधेरा। दुनिया की बातों में उलझने वाला जीव, सुनने वाला, उस पर ही विचार करने वाला, मान लेने वाला बिना जीव, उसे सूझता नहीं है हितैषी क्या है, और जिनवाणी सुन ले वे तो हितैषी सूझ जाए। जिनवाणी कहती भैया चाहे प्रथमा नहीं हो, चाहे चरणा नहीं हो, चकरना नहीं हो, उस लड़के को मारने के लिए दिया तो उस लड़के ने क्या संदेश भेजा? हे चाचा यह पृथ्वी, बड़े बड़े युधिष्ठिर मानधाता अधिक राजा हो गए, उनकी तो नहीं हुई, आपकी जरूर हो जाएगी।
क्या बात, ये संपदा तीर्थंकरों के चक्रवर्तियों के साथ तो नहीं गई, तुम्हारे साथ जरूर जाएगी। सोचो समझो, साथ तो नहीं आएगी, फिर काय के लिए इसके पीछे परेशान होते, अपने परिणाम क्यों बिगाड़ते। हम फिर कहते हैं लाखों का नुकसान नुकसान नहीं है, परिणामों की संकलिता बहुत बड़ा नुकसान। ये तो आते रहते जाते रहते हैं, और सुनो, परिणामों के नुकसान के बिना बाहर के नुकसान भी नहीं होते, वो लाभ ही होता है उसमें, होने वालेगा ना। परिणामों के नुकसान के बिना बाहर का नुकसान भले तत्काल दिख रहा हो, लेकिन लाभ ही है उसमें। अभी ये कह रहे थे अंतराय भय उत्सव बड़े है, सुनाई नहीं देता जी, पूछ रहा कल हमने वो कहा था, हमने कहा सुनाई थोड़ी देता, एक आध लाइन पड़ जाती कहने, अंतराय भय उत्सव बड़े क्या अर्थ है। एक ये भी अर्थ है, अंतराय कर्म हुआ, अंतराय बना था ना पहले, आज अंतराय हो गया, तो वो अंतराय खिल गया ना, और ऋण हो गए, अंतराय का बंद होना और अंतराय का खिर जाना, तो खिर जाना लाभकारक हो गया उत्सव। अरे एक तो एक दिन तो कर्जा लिया था और यह एक कर्जा आ चुका, तो खुशी का दिन कौन सा। विचार करो, ये जो अंतराय कर्म बना था वह कर्म आज मेरे खिर गया, उसकी नजरा हो गई, इसलिए अंतराय करने वाला भी शत्रु नहीं दिखाई दिया, मित्र जैसा दिखाई। और फिर अवोध है, करुणा का पात है, मित्र और शत्रु की बात क्या हुआ। विचार करो, अंतराय भय उत्सव भया। एक दृष्टांत उसको समझो, जैसे कोई बिना रुचि का काम तुम्हें बता दिया, हम वो काम कर लो, अब चलो भाई कर रहे, अब जो कह रहे तो कर नहीं है, तब तक कोई आया, अरे जी हमें दे, हम कर दू तुम रहेंगे, तो खुशी होती है। ऐसे ही बिना रुचि के भोजन हो रहा था, बिना रुचि के भोग हो रहे थे, और अब उसमें आ गया अंतराय, चलो बड़ा टेली। साधक जीव को, ज्ञानी जीव को उन भोगों की, भोजन आदि की रुचि न होने के कारण उनका टलना एक बड़ा टलने के समान लगती है, इसलिए भी एक उत्सव कहा। दूसरा, पूर्व अंतराय कर्म की नजरा का कारण है, इसलिए भी उत्सव कहा। और वे अंतराय के फल को देखकर रोने नहीं बैठते, भेद ज्ञान करके अपने स्वरूप के आनंद को भोगते हैं, तो वास्तव में वो उत्सव है। कितनी बार हमने आपसे कहा है, जब एकासन वगैरह किया करो, अष्टमी चतुर्दशी आदि को एकासन हुआ, तो उतना समय बचा करके अगर स्वाध्याय ध्यान में जप में लगाओगे तो वो ठीक है, कार्यकारी है, और नहीं तो आज रोटी तो खाने नहीं, सुबह बैठे बैठे बातें कर रहे, तो कोई मतलब नहीं निकला। वो जो भोजन का समय है जो बच गया आज हमारा, आज शाम को किसी कुछ लेना नहीं, चलो तो आज चलो भक्ति कर लेंगे, आज पार कर लेंगे, आज चिंतन कर लेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, आज आज अपने वैसा स्वाध्याय नहीं जो रोज कर रहे, अपने बैठे बैठे देखेंगे। मुख्य रूप से तो समय का अभ्यास अथवा स्वानुभव का अभ्यास करना चाहिए, वेद ज्ञान का अभ्यास, तत्व विचार का अभ्यास करना चाहिए मुख्य रूप से। और सामायिक व्रत में लिखी भी है, गृहस्थ जीवन में भी रोज नियम पे नहीं बनता, उन जीवों को पर्व के दिनों में सामायिक अवश्य करना, अविरति भी पर्व के दिनों में, बाद बाकी तो फिर रोज रोज, फिर दो बार, फिर तीन बार, और फिर बहु बार,
बढ़ाते जाते हैं, समय का समय भी बढ़ाते जाते हैं और समय की विशुद्धि भी बढ़ाते जाते हैं। क्यों? चारित्र में तो समय के चारित्र मूल है, सही पूछो। और समय का अभ्यास का अर्थ है समता का अभ्यास, समता भाव को ही समय कहेंगे, समाधि कहेंगे, धर्म कहेंगे उसी को। संसार जी में से धर्म का संभाव को धर्म का और सामायिक पाठ में से समय का है? और समाधि के प्रसंग में उसी को समाधि का। विभिक्षा भेद है, नाम भेद है, स्वरूप भेद है। तो ये पुण्य के फल भोगने लायक नहीं। क्यों भोगने लायक नहीं है? किन्हें भोगने जाएगा तो अपना आनंद भोग। विचार कर, बाजार की चाट पकौड़ी खाने में लग जाएगा तो घर का बढ़िया भोजन शुद्ध भोजन कैसे करेगा? वहां भूख ही नहीं रहेगी। इसीलिए तो जिनको भूख भूख नहीं लगती सबसे पहले कहते भैया नाश्ता बंद करो। सवेरे से मतलब तो आप और सवेरे से भगवान का नाम लो, पूजा करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, अब अपने आप भूख लग जाएगी उसके टाइम। अब तुम सवेरे नाश्ता कर लो भूख कहाँ लगेगी, उल्टी चरिया हो गई। और सो भी है भी नाश्ता, अलीवा पकौड़ी ले ली या फलानी चीज ले ली या फलानी चीज खा ली, अरे है भी नाश्ता तो तुम्हारा काम खत्म हो गया। ये तो मतलब एकदम निचली भूमिका के और सामान्य श्रावकों के लिए भी अभी नाश्ता नहीं करना चाहिए, नहीं तो भोजन के टाइम पर भोजन ढंग से नहीं होगा। और फिर और कितने ही जीव तो ऐसे भोजन के टाइम पर नाश्ता करेंगे, नाश्ता फिर भोजन करेंगे 3 बजे को, अब फिर अपने आप रात में। अब 4-6 साल बाद बीमार होते हैं निश्चित, ज्यादा दिन नहीं चल पाते, वे कोई ना कोई बीमारी लगती है। आपको मालूम है दिन में सोना कब वृद्धि का कारण और रात में जगना पित्त वृद्धि का कारण है। माने रात में ज्यादा जगो और दिन में ज्यादा सो, दोनों बीमारी के कारण बन गए। प्रयोजन सही तो बात अलग है। तो जैसे कोई अविवेकी रोगी हो, वह रोग होते हुए भी अवक्ष को नहीं छोड़ता, अनिष्टकारक अवक्ष को नहीं छोड़ पाता और फिर औषधियों से उस पीड़ा को मिटाना चाहता, लेकिन ये उसका अविवेक ही तो है। पथ्य सेवन करने वाले, अपथ्य को छोड़ देने वाले रोगी औषधि के बिना भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन कुपथ्य को न छोड़कर पथ्य पूर्वक न रहने वाले रोगी अनेकों औषधियों से भी ठीक नहीं। समझ में आ गया? ऐसे ही यहां लगा ये पुण्य के फल को भोगने वाला जी कुपथ कर रहा कुपथ कर रहा है ना पुण्य का, वह आत्मा के आनंद रस को नहीं भोगता। इसीलिए पूजा में भावना तो आपने भी भाई की, आज नहीं कभी भाई होगी, हमारे कान में तो पड़ी थी। पंचेंद्रिय मन के सठ रस तज लिखी, अब जे नहीं छोड़ता तो बकाया उल्टे स्वाद है। पंचेंद्रिय मन के सठ रस तज अनुपम रस पीने आया हूं, एकदम अनिवार्य है। पंचेंद्रिय के रसों को छोड़े बिना अतीन्द्रिय आनंद के रस का भुगता कैसे होगा? लौकिक में भी कोई विचार करो, कड़वी चीज खाते हुए मिष्ट रस का भोगता होता है, उसको तो कुल्ला करना पड़ता है कड़वी चीज को निकाल कर, तो उसे उसका मीठा का स्वाद मधुर रस का। जहर और अमृत को मिला करके पिए तो क्या होगा? मिला करके भी पिएगा, गीला जहर पिए तो मरेगा ही, और जहर अमृत को मिला, जहर और खीर मिला करके अकेला विष ही त्याज नहीं, विष मिश्रित भोजन भी त्याज है।
ऐसे ये पुण्य के फल भोगने लायक नहीं है। क्यों? अपने भोगने लायक अतीन्द्रिय आनंद कैसा है? वो अतीन्द्रिय आनंद से चक्र विधान में से बोलना, जिसको भोगते भोगते अनंत काल तक खेद नहीं होता, थकान नहीं होती, जिसको भोगते भोगते वो अतीन्द्रिय आनंद रस का भोगता अपने स्वरूप में ही अनंत काल तक लीन हो जाता है, फिर वहां से चित्त हटता ही नहीं, उचटता ही नहीं है। हे असमर्थ बाय निक्सन को लबड़ घुला जैसे जीवन, ऐसा है अतीन्द्रिय आनंद रस का भोग। इस समय सार जी की कलश में से बोलना, एक ज्ञायक भाव रूपी के अनुभव से उत्पन्न आनंद के महारस का स्वाद लेते हुए अब द्वंद्वमय स्वाद लेने में असमर्थ है। जैसे वे सुकुमार वे स्पेशल चावल खाने वाले वो बीन बीन के भाव में से खा रहे, रत्नों के प्रकाश में रहने वाले वो दीपक की आरती करी, राजा की आरती उतारी, उसमें से भी आंखों में से आंसू आने लगे। उस बढ़िया गदेले पर चार चार सरसों के दाने भी गिर गए तो ऐसे ऐसे चोते, ऐसे ही ये थोड़े से विकल्प चोते हैं इनको, आंखों में से रोना आता है, हे भगवान कहाँ हो गए, कहा धद्दोजी का कहा है, बढ़िया घी की चिपड़ी रोटी घन बारे और उनकी धद्दैया तो का करे, कहा कहा है बदा का करे, कैसे ऐसे अतीन्द्रिय आनंद रस का भोगता बाहर के भोगों को भोगने में असमर्थ हो गया। हे असमर्थ बाह्य निकटन में लवड़ खुला जैसे जीवन में, निज उपयोग आपने स्वामी गाल दियो, निश्चल आपन में हे असमर्थ बाह्य निकटन को लवड़ घुला जैसे जीवन में, जीवन वन पानी, पानी में नमक घुल गया निकालो भाई, कैसे निकलेगा? ऐसे स्वरूप से उनका उपयोग निकलता ही नहीं, उस आनंद की महिमा ही तो है। जिस आनंद को बेचते बेचते अनंत काल तक खेद नहीं होता, ऐसा दूसरा कोई भोग नहीं है जिसको भोगते भोगते खेद न हो। जिनसेन स्वामी, जैसेन नहीं, जिनसेन स्वामी ने महापुराण में एक दृष्टांत दिया, हे भाई भोगों के परिपाक में रोगों के समस्त लक्षण प्रकट होते हैं, भोगों के परिपाक में रोगों के लक्षण प्रकट होते हैं, अब तो थक गए भैया खा लिया। वहां दृष्टांत तो मतलब पसीना आ जाता, थकान हो जाती है, अरुचि हो जाती है, कितना ही आपका रुचिकर भोजन क्यों ना हो, आखिर वो रुचिकर विषय तो है नहीं, परमार्थी रुचिकर भोजन है, वह भी आपको लगातार धर दिया जाए, अकेला रख लिया जाए तो आप खा नहीं खाते, अकेले मीठे मीठे से पेट नहीं भरेगा, नमकीन के साथ में आपको मीठा रुस जाता है, लेकिन अकेले मीठे मीठे से आपका पेट नहीं भर पा रहा। ऐसा कोई भोग नहीं है जो अकेला भोग पर्याप्त हो अनंत काल के लिए, ऐसा भोग तो एक आत्मा के अनुभव से उत्पन्न अतीन्द्रिय आनंद रस का ही भोग है। अकेला अनंत काल तक भोगते रहो, कोई खेद नहीं, कोई थकान नहीं, कोई अरुचि नहीं, कोई सैद्धांतिक भाषा बोलोगे कोई ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं, सैद्धांतिक शब्द कोई ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं, सारा लोकालोक एक साथ झलक रहा है, अब एक छोड़कर दूसरा का कौन जाने, एक छोड़ करके दूसरे को जानने कौन जाए, क्रम ही नहीं है, अक्रम है केवल ज्ञान, युग बस
ऐसे एक एक विषय को भोगने जाए, अरे रे कौन पागल, कौन पागल एक एक विषय को भोगने। अपने अतीन्द्रिय आनंद रस में सब, इसीलिए हमने आपको कहा था संतुष्ट और तृप्त जीव ही त्यागी होता है। सच्चा त्यागी जो अपने में संतुष्ट है, अपने में तृप्त है, वही सच्चा त्यागी है। इसलिए कुंकुम स्वामी ने आपको उपदेश दे दिया, उपदेश शैली, इसमें सदा रतवंत वन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही हो गए तृप्त, उत्तम सौख्य हो जैसे। और कोई विषय और कोई भोग तृप्तिदायक नहीं, तृप्तिदायक। ये कर्म के फल भोगने लायक नहीं, विचार नंदी शोध स्वरूपी मदीना में आत्म करू, नंदी शोध स्वरूपी मदीना में आत्म करू, नंदी शोध स्वरूपी मदीना में आत्म करू। गरिष्ठ नहीं, पौष्टिक भोजन भी और थोड़ी मात्रा में किया जाए तो पथ्य हो जाता है। क्या कहा, भूख हो, पचाने की शक्ति हो, तो थोड़ी मात्रा में किया गया पौष्टिक भोजन भी पथ्य हो जाता है। और अग्नि मंद हो, मंदाग्नि हो, भूख कम हो, भूख नहीं हो, तो हल्का भोजन भी ज्यादा मात्रा में ऐड कर दिया जाए तो कुपथ्य हो जाता। मतलब लौकी बहुत हल्की है, लेकिन लौकी भी अगर ज्यादा खा लोगे तो वो तुम्हारे लिए बेकार है। मूंग की दाल बहुत हल्की है, लेकिन मूंग की दाल भी अगर ज्यादा खा लोगे तो तुम्हारे लिए कुपथ्य हो जाएगा। ये आयुर्वेद के सूत्र ध्यान रखना, समझ में आया। हाँ, हल्का भोजन करते हैं, हल्का भी करो, लेकिन हल्का भोजन भी अति मात्रा में नहीं। और हम नहीं खा रहे ये भारी भारी, नहीं, भारी भोजन का भी प्रसंग बने तो कम मात्रा में, कम मात्रा में। जैसे अग्नि होती ना, अग्नि उस पर ज्यादा एकदम ईंधन पटक दिया जाए तो भी बुझ जाएगी, ईंधन नहीं डाला जाए तो भी बुझ जाएगी। तुम सोचो भूख नहीं लगी और कुछ नहीं खाए तो भी अग्नि मंद हो जाएगी, कहा कही वो बुझ जाएगी भूख। इसलिए भोजन नहीं करना भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य विज्ञान की दृष्टि से कह रहे हैं हम आपको। आज कुछ नहीं कहा, भूख नहीं लगी, नहीं, भूख नहीं लगी, दीपन पाचन सहित हल्का भोजन अल्प मात्रा में करो तो भूख खुल जाएगी यार। और अगर भूख लगी नहीं लगी और हमने कुछ नहीं खा रहे, लंगन का भी महत्व है, माने उपवास का भी महत्व है, ऊनोदर का भी महत्व है, कम खाने का भी। इसी प्रकार अधिक गर्म अधिक ठंडा, दांत ये खराब हो रहे हैं ना आजकल, ये साइनस वाइनस ये तमाम हो रही है ना, ये गले की टेंशन, टोंसल वोंसल, ये तमाम बीमारियां जैसे ज्यादा होती ना, अधिक ठंडा अधिक गर्म। भोजन का एक हिसाब लिखा आयुर्वेद में, शरीर के तापमान के अनुकूल, शरीर के तापमान के। जैसे आपका ताजा पानी है जैसा निकलेगा वो आपके लिए पथ्य होगा। जाड़ों में अपने आप छोटा सा गर्म पानी निकलता है, अपने आप। गर्मी में अपने आप उसमें से ठंडा निकलता, ऊपर का तापमान अलग है, वो पानी का तापमान अपने आप आपके अनुकूल है। अगर आप उसको एक्स्ट्रा ठंडा करना चाहोगे परेशानी आ सकती। हम कहते हैं आपकी हम छन्ना लगा करके पानी नहीं पी पाए, लोटे पे छन्ना लगा दे थोड़ा ही नहीं पाए, एक आध दिन पिया गले तुरंत, बस बिना छन्ने का उतना ही धस गया कटोरे में, बस यादी ढंग भी बस उठते होंगे। अगर छन्ना लगा दिया एक दो दिन नहीं पी पाए तो नहीं पी पाए, फिर कोशिश भी नहीं करी, अरे वो गड़बड़ करता, छोड़ो खत्म ना होगा। पानी के लिए हम थोड़े ही, हमारे लिए पानी है, और ना हमारे लिए पानी ना पानी के लिए हम, ये तो हमारी साधना के लिए शरीर है, शरीर के लिए पानी है, सही पूछो।
अनासक्त भाव से, अनासक्त ना अधिक गर्म ना अधिक ठंडा ना अधिक हल्का है। हमने पहले सुनाया था ना आपको, एक लड़का कम से कम 25-30 वर्ष की उम्र होगी, बोले था हाथ कपते हैं लिखते में थक जाते हो, हमने भोजन क्या करते, कुछ नहीं करते बिल्कुल हल्का लौकी रोटी खाते, हमने चाहिए तो कब होते मेहनत इतनी करते हो, दूध हमने दूध पीते हो, बोले दूध को ले भैया आध घंटा खराब होते, अगर तुम्हारा आध घंटा खराब हो रहा फिर पूरा दिन खराब हो रहा बैठे रहो ऐसे बैठे। अब वो 10 मिनट कौन शरीर के लिए दे, तो 10 मिनट मत दे फिर दिन भर डरे रहो। कौन दे, हम पूछ रहे नौकर को मैं तनखा को दे, जयबा से काम लेने में गाड़ी में डीजल कौन डाल रहे, जयबा चलाने हो, अब चले हो आप डीजल हम थोड़ी डाल रहे हैं। तो तुम्हें अगर इस शरीर से साधना करनी हो तो तुम शरीर के लिए करो, कौन करे, और नहीं तो शरीर से काम नहीं ले पाओगे फिर आप। ना अधिक न कम, अन्यून मन अतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना से विपरीतात, ये ज्ञान का भी लक्षण है और आचरण में भी है। आकुलता भी न हो और प्रमाद भी न हो, अधिकता भी अतिरेक भी न हो और केवल भोजन के संबंध में नहीं वाणी के संबंध में भी यही बात है। हैं अति को भलो न बोलो अति की भली न छू, अति को भलो न वर्ष वो अति की भली न धू, ज्यादा भी मत बोलो और जितना जरूरी है उतना बड़े प्रेम से बड़े संतुलन से हैं बोलो, भी ज्यादा भी मत बोलो एकदम हम नहीं बोलते, हम कम भी मत बोलो। वक्ता के लक्षण में ना अधिक मंद स्वर से बोले, ना अधिक तेज स्वर से बोले, ना जल्दी जल्दी बोले, ना धीरे बोले, इसलिए टोकते हैं यहां बैठ करके क्या करोगे। इतनी शक्ति मत करो, ऐसे कुतर्क से पोषण मत किया करो, न अधिक मंद स्वर से, न अधिक तीव्र स्वर से, न ज्यादा जल्दी जल्दी, न ज्यादा धीरे धीरे, एक संतुलन है, वाणी का भी संतुलन है, खाने पीने का ही संतुलन नहीं वाणी का भी संतुलन है, और सबसे बड़ा संतुलन बोलो विचारों का संतुलन, संतुलित विचार। आप देखो क्या होता है, आप स्वास्थ्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे। शारीरिक स्वास्थ्य ही पर्याप्त तो नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य, मन आपका एकदम, और नहीं तो आपका ही धर्म ध्यान छूटेगा, आपका ही परिणामों में संकलित आएगी, हीनता आएगी, वीनता आएगी, ये सब हमारे दुष्परिणामों का ही फल है, और हम इन दुष्परिणामों को छोड़ करके ऊपर उठ सकते। हे देवी तेरी वंदना कर रहा हूं, चिंता मणि प्रभु है सभी, ये तेरी परिणाम शोध समाधि मुझ में बोध का संचार।